जब हमने शुरू किया थिएटर में तो हमारे जो सीनियर थे ना, हमें भी ऐसी ही बातें समझाते थे, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, इस तरह मूव लेनी है, इस जगह पर ऐसे मूव लेनी है, ऐसे करते थे। और थिएटर में बदलाव ये है कि उस वक़्त इकलौता टैगोर थिएटर था और तो कोई था ही नहीं, तो वो उसमें आप ही सेट बनाना, इसके रिहर्सलें करनी और शो से एक दिन पहले रात को जाके सेट लगाना, लाइटें सेट करनी और रात को ही रिहर्सल करनी। वहाँ पर दो दो बज जाते थे और कई बार तो उसी स्टेज पे ही सो जाते थे, कहीं घर भी नहीं जाना होता था, इतने थक जाते थे। ये बदलाव, और आज के ज़माने में क्या है कि सब कुछ प्रिपेयर्ड बना बनाया बच्चे सबको मिल जाता है, और हमें लगाने में भी तकलीफ़ होती है, क्या यार केले ठोक रहे हैं इसके अंदर। जो ये केले तुम यहाँ ठोकते हैं ना हम लोग, वही केले ऑडियंस के मन में ठोकती हैं जाके। लाई बेकदरा नाल यारी है, लाई बेकदरा नाल यारी, हो लाई बेकदरा नाल यारी, के टुट गई तड़क करके हफले बल्ले भई, टुट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी, ओ टुट गई तड़क करके बल्ले बल्ले भई, टुट गई तड़क करके, हो शावा शावा भई, टुट गई तड़क करके। इट्टां वट्टियां दे नहीं हुंदे, कदे महिलां नूं घर नहीं कहा जांदा, घर सिर्फ ओह हुंदे ने जिथे मापियां दे नाल उहनां दे बच्चे रहिंदे ने, जिथे छोटे छोटे बच्चियां दीआं कलकारियां सुणदे आ। पहला जी सत श्री अकाल, मैं TFT का और पूरी टीम का, खास तौर पर सुदेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अज्जे मौका दिता। कनेडा का लड्डू एक ओ रंगमंच है जो शायद सानू साडी जो साडी वाकफियत है, साडी धरोहर है, उहदे बारे दसदा है। कनेडा सानू साडी अपनी संस्कृति वल मुड़न नू वाजा दिंदा है कि वापस चल जो, बाहर मुल्क च कुछ नहीं रखा हैगा जब तक असीं अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता नाल नहीं जुड़ांगे, असीं किसी भी देश दे कदे भी नहीं हो सकते। तो अज कनेडा दे लड्डू ने एक अच्छी मैसेज दिते ने कि ठीक है, अगर तुसीं बाहर जाने हो तो तुसीं उहदे मुताबिक भी थोनू रचना पैंदा, थोनू रमना पैंदा। जिहड़ा अज दा समां है ये अपने आप नू डायनामिक करन दा है कि अपनी सोच नू उत्थे दे माहौल नाल बदलना पऊगा, उही चीज़ भारत विच है। पर किते ना किते अपना मुल्क अपना हुंदा है, अपनी मिट्टी अपनी हुंदी है, वो थोनू कदे भी किते भी नहीं मिल सकती। तो मैं अज यही कहूँगी रंगमंच के माध्यम तो कि बच्चों नू कि अपना देश ना भुलो, जिथे मर्जी जाओ पर अपनी संस्कृति ना भुलो। धन्यवाद। इत्थे कलाभवन दे विच कनेडा दा लड्डू नाटक खेडिया गया जिहड़ा डॉक्टर नार सिंह दा लिखिया होया,
जिहड़े आप कनेडा दे विच रह रहे ने क्योंकि उत्थों दे हालातां नूं चंगी तरह जाणदे ने। बहुत अच्छा नाटक लिखिया ते लखा लहरी ने इस नाटक नूं निर्देशित कीता ते कलाकारां ने बहुत अच्छे तरीके नाल अपना अपना किरदार निभाया। उत्थों दे हालातां नूं नाटक इह बयान करदा है क्योंकि जदों असीं इत्थे बैठे हुंदे आ सारिआं नूं इह लगदा है कि उत्थे पता नहीं कि डालर असीं दरख्तां नाल ही तोड़ लैणे आ। जिन्ना संघर्ष उत्थे करदा दिखाया जां उत्थे जा के फिर बच्चों की हालत होंदी है एक नाटक पूरा बयान करता है। ये तो कमाल दा ही है, मैनूं तां अपने आप नूं बड़ा भागी लग्या इत्थे आके। मैं मुबारकबाद दिंदी हां TFT नूं ते मैनूं बहुत चंगा लग्या अज ये देख के। तो मैनूं ये लगता कि मैं हर साल घट्टो घट इन्हां प्रोग्रामां दा आनंद माणा ते क्योंकि असीं आप रंगमंच नाल जुड़े हुए हाँ। रंगमंच बंदे नूं जिंदगी जिउणी सिखाउंदा है। वक्रे वक्रे किरदार जदों असीं निभाउने आ कितना कितने साढ़े ते भी वो असर हुंदा है। तो अज बहुत इमोशनल इस गल ही हो गई ते मैं मुड़ के फिर TFT नूं मुबारकबाद दिंदी हां। मेरे वल्लों बहुत बहुत मुबारकबाद।